नमस्ते दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा एक और नए वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं यशोदा इस मूवी का। देखो, यशोदा इस मूवी का जो ट्रेलर आया था उसका हमने रिव्यू किया था। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। उस रिव्यू को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं यशोदा मूवी के रिव्यू के लिए। इस मूवी का प्लॉट कुछ इस तरह है। इसमें दो कहानियां एक साथ पैरेलली चलती रहती है। इस मूवी की शुरुआत इस मोहतरमा के इस सीन से होती है, और ये मोहतरमा हॉलीवुड की कोई बड़ी स्टार है जो इंडिया में आके मर जाती है। इसके ऑटोप्सी रिपोर्ट में इसके शरीर में एक ड्रग्स पाया जाता है जिसको इन्होंने मिस्टीरियस नाम दिया है, क्योंकि उसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो वो ड्रग्स क्या है, कहाँ से आया, तो इसका एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दूसरी तरफ इवा नाम की एक कंपनी है जो कि जरूरतमंद लड़कियों को हायर करती है और उनको सरोगसी मदर बनाती है। ऐसी लड़कियों में से सामंता का एक किरदार है यशोदा, जिसको अपने बहन के ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए और उसी के लिए वो रेडी हो जाती है सरोगसी मदर बनने के लिए। तो फिर वो इवा कंपनी में एडमिट हो जाती है, वहीं पे उनका पूरा देखभाल किया जाता है। तो उसकी वहां से जर्नी स्टार्ट होती है। ट्रेलर से ही हमें पता चल गया था कि इवा कंपनी इतनी सज्जन नहीं होने वाली, उनका कोई ना कोई बैकग्राउंड में कनेक्शन होगा। तो उसकी वजह से वहाँ पे भी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है समंता का, कि उसको कैसे चीज़ें पता चलती है, कैसे वो आगे आगे बढ़ जाती है, और ये मर्डर मिस्ट्री वाला कनेक्शन साथ में चलता रहता है। तो ये प्लॉट है इस मूवी का। देखो, दो इन्वेस्टिगेशन साथ में चलते रहते हैं, इस वजह से ये मूवी हमें बोर नहीं करती। बीच बीच में कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है जिससे हम लोग मूवी में कनेक्टेड रहते हैं। तो स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, बट इन्होंने गलती क्या कर दी कि ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए कि जिससे ये मूवी प्रेडिक्टेबल बन जाती है। तो इस वजह से ना जो गूज़बम्प्स वाला एक मोमेंट है जो कि क्लाइमैक्स में आने वाला है, वो ट्विस्ट इतना इम्पैक्ट नहीं करता। बाकी के कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसमें सच में गूज़बम्प्स आते हैं। सबसे मेन सीन बोले तो एक एसेट रूम दिखाया गया है जहाँ पे समंता पहुँच जाती है, तो वहाँ का जो सीन है वो देख के ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं। तो अच्छे सीन्स है मूवी में, ऐसा नहीं कि पूरा ही मूवी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। बहुत सारा सस्पेंस भी है, कुछ सस्पेंस हमें लास्ट तक बनाए रखता है। ट्रेलर में कुछ ज़्यादा दिखाया जिसकी वजह से कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, उसकी वजह से एंजॉयमेंट थोड़ा डाउन हो जाता है। फिर आगे बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक बहुत सही है। सॉन्ग सिर्फ एक ही है और वो सॉन्ग्स भी अच्छा है। हिंदी वर्जन में मैंने मूवी देखी है, तो हिंदी वर्जन में वो सॉन्ग्स अच्छा लगता है, लेकिन जब स्टार्ट होता है ना, तो जो एक्ट्रेस इसको प्ले कर रही है, तो उसके लिप सिंग्स और ये गाने के बोल, मतलब कुछ भी मैच नहीं। जो लिरिक्स है सॉन्ग्स के या फिर म्यूजिक है वो सही है। दूसरा, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा दिया हुआ है, मुझे तो वो वाला अच्छा लगा जो कि, मतलब देखो ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब भी कोई ऐसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मतलब घड़ी की सुई चलती रहती है, तो हमें कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड म्यूजिक से वो फील आता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कैमरा एंगल की बात करें तो देखो, इसमें जो भी यशोदा के एक्शन सीन्स है, तो कैमरामैन को बहुत ज्यादा हाथ है उसमें वो अच्छे दिखाने के लिए। एक्शन सीन्स में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। समंता ने एक्शन सीन्स को बहुत जस्टिफाई किया है, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि समंता इस मूवी में जो कैरेक्टर प्ले कर रही है यशोदा, जो कि 3 महीने से प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद में 2 या 2.5 महीने वहां पे बिताती है, उसके बाद में ये एक्शन सीन्स आते हैं। तो मतलब तकरीबन 5.5-6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी इस तरह का एक्शन कर पाती है, तो वो कहीं पे इलॉजिकल लगता है, उसमें सेंस नहीं बनता। मूवी में कुछ विजुअल इफेक्ट्स डाले हैं जो कि तुरंत पता चल जाता है कि ये विजुअल इफेक्ट्स है और इतने खास उस पर वर्क नहीं है, लेकिन स्टोरी है इस मूवी को, तो विजुअल इफेक्ट्स को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में तो देखो, जो कैरेक्टर है डॉक्टर का उन्नी मुकुंदन, इनका कैरेक्टर बहुत सही लगा। इनके मैंने पहले मूवी देखी नहीं है, तो मुझे इस मूवी में ही उनका परफॉर्मेंस देखने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका परफॉर्मेंस। बाकी के जो भी सपोर्टिंग कैरेक्टर है उन्होंने बहुत सही काम किया है, और समंता की तो क्या बात करें, उन्होंने तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है इस मूवी में। इसमें और एक कैरेक्टर है जो संपत राज ने प्ले किया है, जो हेल्प करते पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने में, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, वो बहुत सही से उन्होंने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया। लेकिन हैंडीकैप क्यों दिखाया, तो वो भी हजम नहीं होता, तो ऐसे छोटे मोटे लूप्स होल्स है। बट ओवरऑल मूवी ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच है विथ फैमिली वॉच है। तो मेरे तरफ से बस इतना ही। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।